माय चैनल। आज की वीडियो में हम कैमल सॉफ्ट पेस्टल का रिव्यू करने जा रहे हैं और ड्राइंग बनाएंगे इससे। ये 20 शेड से ब्राइट एंड स्मूदर, तो मैंने इससे और मैंने ड्राइंग पेंसिल भी ली है, ये एड बी की। और मुझे बताना है अप्सर एड बी बनाती है क्या, क्योंकि मैंने पहली बार देखा एड बी। मुझे लगता है फ्रॉड है कि झूठी है क्या है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं अप्सरा एड भी बनाती है, नहीं तो स्विच भी तक ही बनाती है, तो मुझे पता नहीं। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। सो गाइस, हम अपने टेबल पे आ चुके हैं। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, इस पेंसिल को। इसका तो ना एड भी की पेंसिल दो ली है, तो पता नहीं इसकी भी यूज़ करेंगे। फिर तो इसके मैंने कटर लाया, तो इसके अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। आर्टिस्ट सॉफ्ट पेस्टल आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, और कैमलिन कोहिनूर की है। इसमें कुछ इतनी शेड से 20, तो इसे मैं ज़्यादा पढ़कर बैठूँ मतलब लंबी वीडियो हो जाएंगी, तो 200 रुपीज़ की। चलो बिना टाइम वेस्ट करते हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इसको इस तरह का इधर से भी स्पॉट और इधर से भी स्पॉट। तो खोल दिया है, कुछ इस तरह के इसकी पैकेजिंग, तो कुछ इस तरह का ये। मैं तो मैं पहली बार इसको और एक्साइटेड है बहुत हूँ। चलो ओ वाह, इसकी ना पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी। ये इसमें है एक फॉर्म टाइप सा, अच्छा है। ओ भाई, मैं पहली बार इसको यूज़ कर रहा हूँ, कुछ इस तरह लग रहा है ये। मुझे मतलब क्ले जैसा लग रहा है ये, और सॉफ्ट रहते शायद से ये। इसमें इतने कुछ शेड्स है ऐसे, मैं तो पहली बार इसको यूज़ कर। इसमें मतलब ब्राउन की शेड कुछ ज़्यादा ही था ऐसे, ये कुछ अलग से ब्राउन का शेड है। ब्राउन की शेड ज़्यादा इसमें ब्लैक ही है, तो अच्छे है। क्या बताऊँ मैं, वाइट है ये, ब्लैक हो सकता है। तो चलो इससे हम ड्राइंग बनाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पहली बार मैंने लिया है तो। और कुछ इस तरह के रहते हैं स्टिक की तरह, तो चलिए इससे ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं अभी पहले मास्किंग टेप लगा रहा हूँ, क्योंकि अच्छी बॉर्डर लाइन बननी चाहिए, तो अच्छा दिखना चाहिए इसलिए। तो मैं कुछ इतने कलर से रहा हूँ, मैं सनसेट का लुक बना रहा हूँ, सनसेट लग रहा, तो इतने कुछ कलर लिए मैंने। तो पहले मैं रेड कलर मार रहा हूँ, अच्छा दिखना चाहिए इसलिए रेड कलर फर्स्ट। तो मैं सनसेट का लुक बना रहा हूँ, तो इसके मेरा पिगमेंट बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट में भी। पहली बार यूज़ कर रहा था इसलिए मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने किसी ने भी यूज़ किए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं ब्लाइंडिंग कर रहा था, तो बहुत अच्छी ब्लाइंडिंग है, बहुत मतलब खूब बहुत स्मूथ ब्लाइंडिंग है। और डस्ट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इससे, तो थोड़ा डस्ट मैनेज करना पड़ेगा इसे, क्योंकि ब्लाइंडिंग करते हुए डस्ट आप देखा कि ब्लैक कलर मारा तो कितना डस्ट हो रहा था। हम थोड़ा थोड़ा कलर मारते हैं, वो बाद में ब्लाइंडिंग करते हैं तो डस्ट होता ही है, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए आर्टिस्ट है इसलिए अच्छे, तो ठीक है आप देखिए।
सो गाइस ड्राइंग हो चुकी है कम्प्लीट, बताना कैसी है और अच्छी लगी तो लाइक करना। तो देख सकते हो थोड़ी इधर गड़बड़ हो चुकी है, मैंने ना हाथ बहुत ख़राब हो गए थे क्योंकि मैंने हाथ से ब्लाइंड किया था, इसलिए तो गलती से हाथ लगा, आपने देखा ही होगा वीडियो में। तो मास्किंग टेप लगाई थी और मैंने नई मास्किंग टेप भी ली थी, मैं आपको बताना भूल गया। तो इस तरह की ये तो मैंने निकाली क्योंकि मुझे जगह नहीं मिल रही थी और पेज बहुत छोटा है तो इसलिए। और ये सॉफ्ट पेस्टर मैं बताऊँगा वर्थ है कि नहीं और इसका उपयोग क्या है, कैसे चलते हैं। तो फर्स्ट बात कि इसमें आपने देखा डस्ट बहुत है, तो बहुत मैंने कर रहा था ब्लाइंडिंग, बहुत डस्ट हो रहा था। तो उसके बाद हम देख सकते थे, मैं आपको दिखा दूँ, अब ये सिर्फ कलर हो चुका है ना, तो अब इसमें कलर मारने गए तो कलर लग नहीं रहा था, हमने बहुत ड्राई से चल रहे थे, तो ये एक बात लगी। और वर्थ है कि नहीं देखो, ये आर्टिस्ट लोगों के लिए, तो वो बिगिनर तो उनको मतलब मिलेंगे नहीं, आप देखो क्योंकि ये आर्टिस्ट के लिए, स्टूडेंट के भी आते हैं और 200 रुपीज़ का प्राइस है, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है और सस्ता भी नहीं है, ठीक ठाक है इसका प्राइस। तो वो आपकी मर्ज़ी, आपको लेना है तो ले। तो ये वर्थ है आर्टिस्ट के लिए, वर्थ है स्टूडेंट के लिए, वर्थ हो सकता है नहीं, स्टूडेंट के भी मिलते हैं, वो डॉम्स के कुछ मिलते थे। तो ये मैंने ई में ड्रॉ विद विशाल से लिए है, तो देख सकते हो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल मैंने सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो, तब तक लिए बाय बाय।